सीकेंट का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट x। सीकेंट 1 बाई कॉस, तो अगेन जहां पे कॉस जीरो होगा ये डिफाइंड नहीं होगा, और कॉस जीरो होता है जब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो इसमें भी जो x होना चाहिए ये होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई टू, n इज एनी। तो डोमेन इसका भी है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई टू, मीन सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनेंगे। रेंज पाई की जो वैल्यू है इसमें ये माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि साइन और कॉस का रेंज होता है माइनस वन से लेकर वन तक, और सीकेंट एंड कोसेकेंट नेवर लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन। सीकेंट एंड कोसेकेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन और वन के बाहर होती है, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में होगा या फिर वन से इन्फिनिटी में होगा। तो सेकेंड की जो वैल्यू है वाई जो है इसमें, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है या फिर वन से इन्फिनिटी है। पीरियड इसका टू पाई है, सिर्फ टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई है, बाकी चार का पीरियड टू पाई है। और डेरिवेटिव इसका सेकेंड एक्स इन टू टेन एक्स है। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इन टू टेन एक्स। अब देखो जरा इसके ग्राफ को, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, फिर ऐसे ये थ्री पाई बाई टू, ये पाई। अब जरा ग्राफ को देखेंगे। इसका ग्राफ आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू सीकेंट x। ऑब्वियसली सीकेंट जीरो वन होता है, तो जीरो पे ग्राफ यहां पे होगा जीरो कॉमा वन पे। जैसे जैसे x को जीरो से पाई बाई टू की तरफ ले जाओगे, सीकेंट जीरो से शुरू होगा और बढ़ता हुआ इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ऐसे ऊपर इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा पाई बाई टू पे। और सीकेंट की वैल्यू जो थीटा पे होती है वही माइनस थीटा पे होती है। सीकेंट इवन फंक्शन है, सीकेंट ऑफ एक्स और सीकेंट ऑफ माइनस एक्स सेम होता है। तो जो ग्राफ राइट साइड पे ड्रॉ हुआ है उसका मिरर इमेज इधर ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, बस जस्ट देखने में अपवर्ड पैराबोला जैसा लगेगा, बट पैराबोला है नहीं, इस तरह से होगा। ये हो गया माइनस पाई बाई टू से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये जो लेवल है ये जीरो कॉमा वन है, वन का लेवल है। वन से ऊपर रहेगा ग्राफ, वन से इन्फिनिटी में, क्योंकि रेंज है उसका पॉजिटिव साइड पे वन टू इन्फिनिटी, तो वन से इन्फिनिटी की तरफ ऊपर जाएगा। और इसी तरह से जब इधर ड्रॉ करेंगे पाई बाई टू से पाई बाई टू में, तो इधर ऐसे डाउनवर्ड ड्रॉ होगा, ऊपर जाएगा फिर ऐसे। ये माइनस वन का लेवल है, ये वन का लेवल है, ये वाला ये पॉइंट है जीरो कॉमा वन, और ये जो लेवल है ये माइनस वन। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वन और वन के बीच में कोई ग्राफ नहीं वर्टिकल अगर देखें तो। तो अगर वर्टिकल देखोगे तो इस बीच में कोई ग्राफ नहीं है माइनस वन और वन के बीच में, यानी इस रेंज जो है इसका या तो ऊपर है वन से इन्फिनिटी
यहाँ पे नीचे माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, पाई की वैल्यू वन से इंफिनिटी में होगी, यहाँ पे नीचे वाले का होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस, और ये एक पीरियड पूरा हो गया। इसी ग्राफ को आपको एक्सटेंड करते जाना है, बस इतना याद रखें कि सेकंड का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में अपवर्ड बनेगा, ऐसे जो टर्निंग पॉइंट होगा वो जीरो कॉमा वन होगा वन के लेवल पे, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में डाउनवर्ड होगा, टर्निंग पॉइंट माइनस वन के लेवल पे होगा पाई कॉमा माइनस वन, एंड देन फिर ऑल्टरनेट ऐसे ड्रॉ करते जाओ। नेक्स्ट बनेगा थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू अपवर्ड, फिर फाइव पाई बाई टू से सेवन पाई बाई टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से ड्रॉ। ध्यान दें चूंकि इसका पीरियड 2 पाई है तो ये दोनों ग्राफ मिलकर एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है, यानी एक पीरियड आपका कंप्लीट हो रहा है माइनस पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू में। तो अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो ये दोनों ब्रांच कंसीडर करने होंगे, एंड देन जो सॉल्यूशन आएगा उसको जनरलाइज करोगे 2n पाई ऐड करके। देखिए क्वेश्चन लिखिए, If the function f(x) is defined in the interval 0 to 1, if the function f(x) is defined in the interval 0 to 1, then find the domain of the function f of secant x. Find the domain of the function f of secant x. क्वेश्चन समझ लीजिए मैंने क्या बोला है। मैंने कहा कि fx का डोमेन 0 से 1 है। अगर हम फंक्शन fx लिखते हैं तो fx का डोमेन ये है 0 टू 1, यानी fx तब डिफाइंड होगा जब हम x को लेंगे 0 से 1 में। तो अगर हम x को secant x से रिप्लेस कर दें यानी f ऑफ secant x कर दें, फिर फंक्शन का डोमेन क्या होगा ये बताना है। करिए गाइस, हो गया समझोगे करते कैसे ऐसे क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको, fx इज डिफाइंड इफ, कब डिफाइंड है 1,
यही कहा गया fx is defined if x lies between 0 and 1, 0 to 1. अब हम इसमें x की जगह पे secant x लिख रहे हैं, तो f of secant x is defined if, तो secant x should lie between 0 and 1. fx is defined if x lies between 0 and 1. Similarly f of secant x is defined if secant x lies between 0 and 1. बोलो ठीक है ये. बट अभी ये मैंने आपसे कहा कि सीकेंट एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं होती है. सीकेंट एक्स की वैल्यू या तो वन से ऊपर होता है या माइनस वन से नीचे होता है. ये दो लेवल है, इसके बीच में नहीं होता. माइनस वन और वन के बीच में नहीं होता सीकेंट, या तो वन से ऊपर जाता है या माइनस वन से नीचे जाता है. अब आप कह रहे हैं कि सीकेंट होना चाहिए जीरो और वन के बीच में, तो जीरो और वन के बीच में तो सीकेंट कभी आ ही नहीं सकता, माइनस वन और वन के बीच में कभी आ ही नहीं सकता. तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि सीकेंट एक क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. क्योंकि वन बन सकता है, वन या वन से ऊपर होगा, माइनस वन या माइनस वन से नीचे होगा. तो इसलिए यहां से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि सीकेंट एक्स की वैल्यू वन होनी चाहिए. बोलिए ठीक है ये. जीरो और वन के बीच में सीकेंट कभी नहीं आ सकता. और सीकेंट वन कहां पे होगा, ऑब्वियसली जीरो डिग्री पे. जीरो डिग्री पे सीकेंट वन होगा तो एक्स की वैल्यू हो गई जीरो. बट जनरलाइज करके बोलेंगे तो टू एन पाई प्लस जीरो, इसलिए एक्स हो गया टू एन पाई प्लस जीरो, या कह लो टू एन पाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर. तो ये एफ ऑफ सीकेंट एक्स का डोमेन हो गया. एफ ऑफ सीकेंट एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स की वैल्यू होगी टू एन पाई. तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ is curly bracket 2 and pi where n is any integer. यानी f of secant x defined होगा curly bracket 2 and pi पे. 2 and pi का मतलब 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, इन्हीं पे ये defined होगा. Next question लिखिए. कौन सा step? कि माइनस वन और वन के बीच में तो सीकेंड कभी हो ही नहीं सकता, तो माइनस वन और वन के बीच में नहीं हो सकता, तो जीरो से वन वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म ही है. सीकेंड की वैल्यू कभी भी इस बीच में नहीं हो सकता, माइनस वन और वन के बीच में. बीच में आप करें जीरो टू वन, तो जीरो से वन के बीच में तो आ ही नहीं सकता कभी. तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच गई, सीकेंड की वैल्यू वन होगी. अरे जब माइनस वन और वन के बीच में नहीं हो सकता तो फिर जीरो और वन के बीच में भी नहीं हो सकता. जीरो तो और उसके अंदर ही है ना, तो जीरो और वन के बीच में भी नहीं हो सकता. ये माइनस वन का लेवल है, ये वन का लेवल है, बीच में जीरो है. तो अगर हम करें कि इस बीच में सीकेंड नहीं हो सकता माइनस वन और वन के बीच में, तो इस बीच के तो सारे पॉइंट गायब हो गए. सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह गया कि सीकेंड की वैल्यू वन होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के the domain of the function fx, if the domain of the function fx is minus infinity to 2, ये fx का domain है. If the domain of the function fx is minus infinity to 2, then find the domain of the function f of secant x. इसका डोमेन बता. सिमिलर क्वेश्चन है अभी क्या है? अगर एफ एक्स का डोमेन माइनस इंफिनिटी से 2 है तो f ऑफ secant x का डोमेन क्या होगा? ध्यान से करिए, बात ना करें.
हो गया, बिल्कुल वैसे ही करना है जो भी हमने किया था। देखिए इस बार मैंने कहा कि fx का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। fx इज डिफाइंड इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। माइनस इन्फिनिटी से 2 का मतलब है कि x लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये डोमेन है fx का। fx इज डिफाइंड इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, वही हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2। अब मैं इसमें x को रिप्लेस कर रहा हूँ सेकेंड x से, तो f ऑफ सेकेंड x इज लेस देन और इक्वल टू। अब आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना होगा सेकेंड x लेस देन और इक्वल टू 2। बार बार वही बात हो रही है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप दो ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू सेकेंड x और y इज इक्वल टू 2। वो वाला इंटरवल लोगे जहां पे सेकेंड x का ग्राफ 2 से नीचे होगा। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सेकेंड x का ग्राफ ये है और y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ कर दिया 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ये y इज इक्वल टू 2 है। कहां पे बनेगा सेकेंड? तो ऑब्वियसली सिमेट्री में कहें तो ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाई 3 होगा। cos 60 हाफ होता है तो secant 62 होगा, तो secant 2 बनेगा तो पाई बाई 3 पे और उसी सिमेट्री में फिर माइनस पाई बाई 3। आपको लेना है secant x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से नीचे वाला ग्राफ। तो जो आपने 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है उसके नीचे वाले ग्राफ को देखना है, और उसके नीचे ग्राफ यह है कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तक। जनरलाइज बोलेंगे तो 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस पाई बाई 3। इसके अलावा ये पूरा ब्रांच भी 2 के नीचे ही है तो ये ब्रांच भी कंसीडर होगा, यानी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 3 पाई। 2 के नीचे जितना ग्राफ आ रहा है वो सारा कंसीडर होगा एक पीरियड में, यानी 0 से लेकर ये एक पीरियड का ग्राफ है जान दे, क्योंकि सेकंड का पीरियड 2 पाई है तो ये पूरा एक पीरियड, दो ब्रांचेस मिलकर एक पीरियड सेकंड में पूरा होगा, एक अपर ब्रांच और एक लोअर ब्रांच दो लेकर एक पीरियड कंप्लीट होगा। तो आपको लेना है सेकंड x लेस देन और इक्वल टू 2। एक तो हो गया माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, जनरल 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस पाई बाई 3, और दूसरा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, जो ये नीचे वाला। इसलिए एक्सिस में लिखेंगे तो यहां जो x की वैल्यू हो गई तो हो गई 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस पाई बाई 3 क्लोज इंटरवल, चूंकि 2 पे इक्वालिटी है यूनियन। फिर दूसरा वाला हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2 टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ये दोनों साइड पे ओपन रहेगा जो दूसरा वाला इंटरवल है, चूंकि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे tan secant डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया f ऑफ secant x का डोमेन।